बिना पास किए हुए वो लोग इसके नाम से पेंडिंग हुए। लोकसभा चुनाव से पहले समाज सेवी पूर्व बड़का गांव विधायक प्रत्याशी अंजू देवी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के उपस्थिति में भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर अंजू देवी ने भाजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर सांसद संजय सेठ प्रकाश नायक कृष्ण यादव राकेश गुप्ता सूरज कुमार विमला देवी सुनीता देवी और भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए मैं फिलिस्तीन के झंडा के विषय में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि फिलिस्तीन कोई हमारा कोई दुश्मन देश नहीं है। अगर कोई हमास का झंडा फहराया हो तो फिर हम उसका विरोध करें क्योंकि हमास को आतंकवाद संगठन मान झांकी में निकला हुआ तो उनके समझदार लोग होंगे तो निकाले होंगे कि भाई आपको अदालत जाना चाहिए ना। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन बेकसूर है तो सड़कों पर करके क्या होने वाला है। आपकी सत्ता है आपने गड़बड़ किया। मैं तो भाई बाबूलाल जी इस अप्रैल को प्लान रेडी की जा रही है बदलाव की शुरुआत हो रही है। हम लोग मजा नहीं होगा उसमें से कौन लोग आने वाला है। भारत माता की जय भी समझ में जिसको नहीं आता है वही नेता आएंगे। सनातनी को कहता है कि इसको सफलता से करने के मतलब से उसके तुलना करते वैसा नेता आएंगे तो देश की जनता देखे की जाए। राहुल जी आएंगे सर खड़गे जी आएंगे ममता जी वही तो मैं कह रहा हूँ। राहुल जी इनको तो समझ में नहीं आता भारत माता की जय से भी उनको आपत्ति होती है। मैं ऐसे नेता को तो आज तक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। भारत की जय जयकार दुनिया में हो हर भारतवासी को गर्व अनुभव करता है। गाँव में भी पूछेंगे तो दुनिया अपने आप को गर्व महसूस करता है। लेकिन राहुल गांधी है भारत माता की जय हो परेशानी होती है देश में भी मेहनत करेगा तो देश पूरा जाएगा। जनता इसलिए वो थोड़ा मोटा सर कई लोग जुड़ रहे हैं भाजपा में कितना फायदा होगा आप जितने लोग आए हैं सर जाएंगे तो ज्वाइन करा लेंगे। आज सवाए हरदेव जी है राजीव जी स्वाभाविक है भाई ये लोग समाज क्षेत्रों में काम करते हैं। राजीव जी मैं जानता हूँ इससे लेकिन चुनाव लड़ी है निकाल सकते हो कि लोगों के आने से भारत माता की।